जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन CAPFAC सिलेबस 2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर जो आपकी जानकारी है वो देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान दे होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं आपके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहां पर ये हमारी जॉब्स ज्ञान वेबसाइट है, जहां पर मैं आपको जॉब्स के बारे में अपडेट करता हूं। आपको यहां पर ऊपर की तरफ इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी मालूम हो जाएगी कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट आपकी कितनी रखी है, कब तक काउंट की जाएगी। आपकी एज मैं आपको बता दूं कि 1 अगस्त 2021 तक काउंट की जाएगी, और यहां पर आप लोग इस फॉर्म को 15 अप्रैल 2021 से लेकर के 5 मई 2021 तक भर पाएंगे। अब चलिए जो आपका यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा, यह आपका रिटर्न एग्जाम, फिजिकल इफिशंसी टेस्ट यानी कि PET और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट होगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो यहां पर जो क्रम वाइज जानकारी दी गई है, इसी क्रम में आपका सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि पहले आपका एग्जाम होगा, फिर PET, PST और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो चलिए जो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी कि PET है, इसके बारे में जानकारी यहां से देख लेते हैं। इसमें दोस्तों जो आपकी हाइट रखी गई है, मेल में वो 165 सेंटीमीटर है, फीमेल में आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट यहाँ पर मेल में बिना फुलाए 81 और फुला करके 86 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। फिर यहाँ पर जो वेट है, ये आपका मेल में कम से कम 50 किलोग्राम और फीमेल में 46 किलोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर आपकी 100 मीटर की रेस होगी, जिसके लिए मेल में 16 सेकंड का समय दिया जाएगा और फीमेल में 18 सेकंड का समय दिया जाएगा। और साथ ही आपकी 800 मीटर की रेस भी होगी, जहाँ पर मेल कैंडिडेट को 3 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा और फीमेल को 4 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा सेम 800 मीटर की रेस के लिए। इसके साथ आपका लॉन्ग जंप होगा, जो कि 3.5 मीटर का होगा मेल में, जिसमें कि आपको 3 चांस दिए जाएंगे, यानी कि अगर आप एक चांस के अंदर पूरा नहीं कर पाते तो आपको दूसरा फिर तीसरा चांस भी दिया जाएगा। फीमेल में यहां पर आपका 3 मीटर का लॉन्ग जंप होगा, जहां पर आपको 3 चांस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट आपका रहेगा, जो कि 7.26 केजी का होगा मेल में, जो कि 4.5 मीटर उसकी लेंथ रहेगी, और ये सिर्फ मेल में ही होगा, फीमेल के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। अब चलिए जो आपका रिटर्न एग्जाम का पैटर्न है उसके बारे में भी जानकारी जान लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो आपका रिटर्न एग्जाम का पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, जो आपका पेपर फर्स्ट है इसमें आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस होगा, जिसके लिए आपको 250 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर यहां पर आपको ये बोला है कि दी क्वेश्चन इन दिस पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल आंसर, बेसिकली जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं वो आपके क्वेश्चन होंगे, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। और ये जो आपके क्वेश्चन होंगे ये आपके इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आएंगे, जिस लैंग्वेज के अंदर आप सोल्व करना चाहे कर सकते हो। फिर जो आपका पेपर 2 है, इसमें आपके जो सब्जेक्ट है वो जनरल स्टडीज, SCA एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, जिसके लिए आपको टोटल 200 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके लिए आपको ये बोला है कि इन दिस पेपर कैंडिडेट्स विल बी अलाउड द ऑप्शन ऑफ राइटिंग द SCA, यानी कि यहां पर इस पेपर के अंदर जो आवेदक होंगे उनको यहां पर अलाउ किया जाएगा SCA लिखने को, कॉम्पोनेंट इन इंग्लिश और हिंदी, यानी कि या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी के, जो भी आप यहां पर चूज करेंगे। साथ ही द मीडियम ऑफ प्रिसिस राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉम्पोनेंट्स एंड दियर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल विल बी इंग्लिश ओनली, यानी कि जो बाकी यहां पर आपको ये दिया है प्रिसिस राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सिर्फ आपके इंग्लिश के अंदर होंगे, बाकी जो आपका SCA कॉम्पोनेंट है ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर रहेगा, जिसमें आपको लिखना चाहे या जो आप चूज करेंगे लैंग्वेज
पेज, उसके अंदर ही आपको लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पीएचडी पीटी की जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है, आपने यहाँ पर जो हाइट के बारे में जानकारी है, जो आपकी लॉन्ग जंप के बारे में है वो जानकारी जान ली है। अब जो आपका यहाँ पर इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट है उसके बारे में आपको ये बोला है कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि जो लोग मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई कर जाएंगे उनको यहाँ पर इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट पहले होगा। द इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट विल कैरी 150 मार्क्स, यानी कि इसके लिए आपको 150 नंबर दिए जाएंगे। फिर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के द्वारा किया जाएगा, जो कि आपकी तैयार की जाएगी रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू के अंदर जो आपने नंबर प्राप्त किए हैं उसके आधार पर, यानी कि जो पीईटी पीएचटी है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो आपका फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा वो सिर्फ जो आपने रिटन एग्जाम के अंदर नंबर प्राप्त किए हैं वो और इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर जो नंबर प्राप्त किए हैं वो, उन दोनों को काउंट करके किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये जानकारी जान ली है। अभी बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो जो आपका पेपर फर्स्ट है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, इसमें आपको बोला है कि जो मेन टॉपिक्स है जनरल मेंटल एबिलिटी, तो आपको बोला है कि दी क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द लॉजिकल रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि इन टॉपिक्स से आपके जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। फिर जो जनरल साइंस है इसमें आपको बोला है कि इसमें आपका फोकस रहेगा या फिर जो आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेंपर कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमेना ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग न्यू एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस। ये आपके वो टॉपिक्स रहेंगे जो कि जनरल साइंस के क्वेश्चन को तैयार करने में इनके ऊपर बेसिकली फोकस किया जाएगा। फिर जो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है इसमें जो आपका फोकस रहेगा क्वेश्चन तैयार करने में वो आपका रहेगा एरियाज ऑफ कल्चर म्यूजिक आर्ट्स लिटरेचर स्पोर्ट्स गवर्नेंस सोशल एंड डेवलपमेंटल इश्यूज इंडस्ट्री बिजनेस ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरप्ले अमोंग नेशन, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। इसी के साथ आपका इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी रहेगा और हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहेगा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा जिसमें कि आपका फोकस टॉपिक्स पर रहेगा जिन पर वो है आपका फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड, इनके ऊपर आपका होने वाला है। अब यहाँ पर जो आपका पेपर टू है जनरल स्टडीज एशियन कॉम्प्रिहेंशन का, इसमें आपको बोला है कि पार्ट ए ऐसे क्वेश्चन विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नरेटिव फ्रॉम ईदर इन इंग्लिश और हिंदी, यानी कि लॉन्ग नरेटिव के साथ आपको इनका आंसर करना है चाहे इंग्लिश के अंदर या फिर हिंदी के अंदर। ये आपका टोटल 80 मार्क्स के लिए रहेगा। दी इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली टू दी फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल ज्योग्राफी पॉलिटी एंड इकोनॉमी नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी, यानी कि इनमें से किसी भी टॉपिक्स के ऊपर आपका ये जो है वो जो आंसर करना है आपको 80 मार्क्स के लिए वो हो सकता है क्वेश्चन। फिर जो आपका पार्ट बी है इसमें आपको बोला कि कॉम्प्रिहेंशन प्रिसिस राइटिंग अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली, यानी कि इन सब्जेक्ट के जो है आपका अटेम्प्ट किया जाएगा जो क्वेश्चन वो आपका सिर्फ इंग्लिश के अंदर होगा जिसके लिए आपको टोटल 120 मार्क्स दिए जाएंगे। दी टॉपिक्स आर कॉम्प्रिहेंशन और जो आपके टॉपिक्स है वो आपके यहाँ पर मेंशन है कॉम्प्रिहेंशन प्रिसिस राइटिंग डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। तो ये हुई आपके पार्ट बी के टॉपिक्स। तो यहाँ पर आपने कंप्लीट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस जान लिया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड यही थी आपकी यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट्स यानी कि एसी सिलेबस 2021 के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।